पढ़ो, कार्ड पढ़ा जाए। अब नहीं पढ़ेंगे, बस पढ़ जल्दी। काय बताई, नहीं बताएंगे दीदी। मामा कितने साल बाद आए यहाँ पर, ये बताओ पहले आप हमें। एक बार पहले आए थे, अभी दोबारा ही आए। दोबारा आए हैं तब ये घर बना हुआ था? नहीं बना था। आज हमारे मामा आए हुए हैं, आज कार्ड देने आए, बिटिया की शादी है। धुआंधार बहन की शादी है, बढ़िया ही होगा, और कैसा होगा। भगवान तुम्हें बहुत ज्यादा समय दिए का है, परेशान। आज एक मेरा निमंत्रण भी है, वहाँ भी जाना है। तुम निमंत्रण के चक्कर, मतलब इतनी बड़ी थाली चक्कर, तुम इतनी कीमती पकौड़ी छोड़े दे रहे हो, ये कैसे हो सकता है। हमने तो पहली बार कभी आपको खिला नहीं पाया ढंग से, आए नहीं, आए हो तो आप भाग रहे हो, ये क्या मतलब हुई। आप सही है, ज्योति खिला के भेजना है। चुपचाप बैठो, हम जाने नहीं देंगे। चाबी ले लो तुम। अच्छा लगता है जब गाँव। चाबी ले लो यार, तुम जब बताइए। भैया आज पकौड़े खिला के भेजेंगे यहाँ से, बहुत लंबे समय बाद आए हैं। शायद मम्मी जी तब आए थे, तब से बता रहे, दूसरी बार आए हैं। ऐसा करना, जब आपकी शादी हो जाए तो भाभी गिफ्ट मिलने जाना है यहाँ से, तो खाना भाभी बनाती है। छोड़ देते थे वैसे वो मुझे छोड़ देती है, जब इनके मेहमान आते तो हम इनको छोड़ देते हैं, तुम बैठो जाके हम काम करके दे रहे। ऐसा करते हैं, हम लोगों के चलता रहता है ये। जब उनके मेहमान आते तो वो बैठ के बतियाती है, हम उनका दत्त नाश्ता बना के दे देते हैं। पकौड़ी बनी कि नहीं बनी, देख ले पकौड़ी जल्दी बनी। रेस्टोरेंट वाली हमारे खुल जाता है, कुछ खाई नहीं। हमारे गांव की 1100 से ज्यादा ही है मामा, 1500 से ऊपर ही। कैसे 1500 से ऊपर है तुम्हारा दूसरा गांव लगता है क्या? एरिया है हमारे, ये पूरा यादव क्षेत्र है। कितना नहीं है, हमारे यादव सब खड़े हो जाए इधर। अरे वो बात, वोटिंग ही टूट जाए, मशीन ही टूट जाए, इतना खड़े। अरे चलो, नहीं ये बताओ तुम्हारे पूरे गाँव की निकारी पर अकेला कई गाँव लगते हैं उसमें? एक गाँव पूरा, ये पूरा एक गाँव है जहाँ चार मोहल्ला, 1500 हो जाएंगे, चार 10 तो मोहल्ला बना रखे हैं। ज्यादा तो 10 मोहल्ले इसमें घुसे हुए हैं, घर तो कम घूम रहे हैं, हमसे लड़े जा रहे हैं आज, मिले हैं ना, बहुत दिनों की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं हमारे ऊपर। कह रहे बहुत बड़ा घर बनवा दिया तुमने गाँव में। अरे बहुत पैसा लगा दिया। फिर तुम मतलब हद है बिल्कुल, रहे ना का घर में, पैसा लगा दिए। इतना कोई बनवा के तो देखे कितना रुपया लगा। नहीं है बरौला में, हम जाना ना कितना तुम्हारा लगो, बहुत पैसा लगा दिए तुम। प्लास्टर नहीं कराने दे रहे जैसे उनको मानसिकता है। वो गांव में किसी को कोई अच्छा दिन नहीं। आज रुक जाओ, कल फिर संग में चलेंगे। रुकने का समय नहीं ना, आज मेरा निमंत्रण भी है ना, मुझे वहाँ जाना है। निमंत्रण की चिंता है, पेट खाली नहीं होना चाहिए। लड़की की शादी नहीं, तुम पता है रसगुल्ले के लिए जा रहे हो, शादी में तो व्यवहार कोई कर देता है, रसगुल्ला मेन है, ये पेट भरना चाहिए रसगुल्ला। देखो देखो, हाँ चार पांच रसगुल्ले आने। लेकिन अब तो ज्योति ठीक है, अब नहीं ज्यादा मोटी दिखाई दे। हम मोटे हैं ही नहीं, सबकी आंखें मोटी हैं यार, मोटा देखा रहा है। आप सही है, हम बहुत फिट हैं, ले मजे। नहीं आप सही है, मोटी नहीं, अब तो झूठी बात है। देखो तुम्हें बराबर आओ ना, आप तो सही है, आप ठीक है। रोज शाम को जाते हैं, शाम को जाते हैं ना, शाम को जाते हैं। आशीर्वाद रहा तुम पक्का लगे। भगवान हम तो कह रहे हैं भाई, कल जितनी देर पेपर दिया उसने उतनी देर तक हम लोग मंदिर की जितनी देर पेपर चला मामा उतनी देर अन्नपूर्णा और धौलेश्वर दो मंदिर घूमते रहे हम दोनों। मामा फिर तो हम दौड़ ऐसी लगाई थी ना, सच बता रहे हैं, पूरा जिला जान जाएगी ज्योति भी पुलिस में। भगवान किस्मत पलट देता तो गुस्सा आती। जा रहे भाभी मामा, नमस्ते नमस्ते, कल ले। ले अब बोलिए, अब कब आओगे? हम सब लोगों में रात भर बने रहे थे, चढ़ाव वड़ाव सब, तब इनके पापा पास सब लोगों से वही बातचीत होती रही थी। सुबह तक रुके थे मामा, हाँ, मामा रहे थे। इनके यहाँ सुबह चाय बन के आई थी 5 बजे, बहुत जल्दी चाय बन के आई थी। वो सब लोग इंतजार करते ना रात भर, पूरी रात जगह सोए कहाँ थे लोग? सोनू की शादी में हम तो सोए रहे, फौजी जी तो सो गए थे, उन्हें तो पता नहीं था। फौजी रात में सो रहे थे, उन्हें अच्छा। पूरी रात तो हम ही जगह थे, चढ़ावा लावा तो सब पूरा प्रोग्राम तो हम उसी बने रहे थे। जीजा बोले हमें कुछ नहीं पता, तुम बढ़िया आ गए, जब से हम मिले फिर जीजा ने छोड़े नहीं कतई।
तो भैया मामा जा रहे हैं हमारे यहाँ, बहुत दिन बाद आए थे, तो हम बरौला वालों कहेंगे भैया अच्छे से शादी आदि में सहयोग कराओ। हाँ बरौला वाले सब कराएंगे, हम भी आएंगे। चलो तो फिर। हाँ और कोई बवाल नहीं होना चाहिए, बहुत कूटेंगे। ऐसा भी है। ठीक है मामा, मामा जा चुके हैं। ये रही ज्योति, बर्तन जल्दी। ये बर्तन उठवा रही है हमसे, बताओ काम करो काम। क्या काम करो काम, जब तक मामा रहे तब तक शांति। अब जैसे गए तक कोई होता है, घर वाले ऐसे होते हैं दाल बराबर। चलो क्या हो रहा है मेरे घर में, तुमने इतना गंदगी मचा रखी कमरे में कि मेरी भाभी को संडे का डे बनाना पड़ गया कि आज मुझे सिर्फ वर्क डे करना है, हार्ड वर्क करना है, वही हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि सर्दी वाले कपड़े हैं इसलिए, सर्दी वाले कपड़े कर रही हैं। ये बहुरिया बहुत तेज है भैया, सब देखो, सब हमारा पूरा घर देखो कैसे कर दो। देखो दैया सुना तो, अपने घर में इसे करती रही का, और क्या कहा, सर्दी वाले कपड़े रखेंगे नहीं। घर में भी तुम्हारे जैसे नालायक भाई है, जैसे हम झेल रहे वैसे तुम वो झेलती हुई है। सारा का सारा सामान रखवा के जाओ जो घूम रही हो ना तुम। ऐसी तैसी तुम का करियो हैं? ये जवान देखो कैसे चला रही है, जवान जवान जैसी चलती है और कैसी चलती है, तुमने समझ के रखा है मेरे को। मैं क्यों उठाऊं, मैं क्या ना करूं तुम्हारी। गंदी बात नहीं, गंदी बात नहीं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं हम। काम तो है नहीं, क्या हो गई, कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। ये गमछा कैसा, देखो झाड़ू यहाँ रस्ते में डाल रखी है, इन्होंने रखी है, यही है काम फैलाया करते ना, कुछ करना ना धरना, काम फैलाते रहते हैं। मतलब बाहरी कोई इंसान आता है तो घर की लक्ष्मी झाड़ू होती है, उसको सामने नजर नहीं पड़ना। अच्छा।